हेलो एवरीवन, आप सभी को उर्मिका का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक साड़ी बनाएंगे जो कि गोटा लेस से बनेगी। ट्रेडिशनल गोटा लेस की साड़ी बहुत ही खूबसूरत होती है और ये ट्रेडिशनल लुक देती है। इस साड़ी को बनाने के लिए मैंने 10 इंच का बॉर्डर लिया है। 10 इंच पे मैं पूरी साड़ी में एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। आप चाहे तो अपने अनुसार बॉर्डर रख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है उस पर मैं 4-4 इंच पे एक डॉट डालूँगी, मार्क करते जाऊँगी पूरे साड़ी पे। पूरी साड़ी पर इसी तरह से 4 इंच पे मार्क करने के बाद मैं इसे तिरछी लाइन, जैसे कि ऊपर वाले पहले डॉट और नीचे के सेकेंड डॉट पे करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। पूरी साड़ी में इसी तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन पे 3.5 इंच पे एक डॉट डालूँगी। तिरछी लाइन जो ड्रॉ किया है उस पे एक एक डॉट डालूँगी। ऑल ओवर साड़ी में मैं इसी तरह से पहले पूरे पे डॉट डाल दूंगी। मार्क करने के बाद अब मैं इस पर फिर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करती जाऊंगी, जिससे मुझे एक बॉक्स की तरह शेप मिल जाएगा। कि कैमरे में अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं इस पर काम करूंगी तब आप लोग को समझ आ जाएगा ये कैसा लगता है, किस तरह से ये बॉक्स शेप में निकल के आया है। वैसे आप सब में से किस किस को गोटा लेस की साड़ी पसंद है बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे का काम करते हैं। इस तरह से बॉक्स शेप में निकल के आ गया है। अब मैं इस पर सिंपली फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उस पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए और इस पर गोटा वाले लेस को डालती जाऊँगी। चिपकाने से बहुत ही सिंपल तरीक़ा से चिपकाती जाऊंगी। मैं इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिलाई मशीन से ये लेस ख़राब हो जाती हैं। बहुत ही इजी मेथड से इस तरह से बॉक्स मैंने पूरे साड़ी पे जो लाइन ड्रॉ की थी उस पर बना लूँगी। अब इसके किनारे के लिए मैंने ये वाली लेस ली है, जिसे सिलाई मशीन की हेल्प से मैं कॉर्नर को फिनिशिंग देते हुए अटैच कर लूँगी। इस साड़ी में मैंने एक एक मोती भी डाली है जो कि आपको दिख रही होगी। जितने भी ज्वाइंट थे क्रॉस वाले उस पर मैंने एक एक मोती अटैच की, जिससे कि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। वैसे पूरी साड़ी में कॉर्नर पे ऊपर और नीचे दोनों किनारे पे मैं लेस अटैच कर दूंगी। ये देखिए, मैंने पूरी साड़ी पर एक एक मोती अटैच किया, जिससे कि जो ज्वाइंट है वो फिक्स हो जाए। और मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया था तो निकलने का डर भी है, वो ख़त्म हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो मोती के जगह गोटा वाले लेस, गोटा वाले फ्लावर जो आते हैं टिकिया, वो भी लगा सकते हैं। सबसे एंड में मैं इस पर छोटे वाले स्टोन मिरर जो होते हैं एकदम छोटे छोटे,
वो वाले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, ताकि इसका लुक जो है और खिल के आए और ये निखर के आ जाएगा। इसका खाली खाली जो लग रहा था वो भी